नमस्कार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चेक करो एक बार, आवाज वगैरह ओके है क्या सारे बच्चे? हाँ जी, चेक करो, वॉइस ओके है क्या? गुड इवनिंग सभी को, सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दो। तो देखो आज अपने सारे के सारे क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से ओके क्वेश्चन है, लाइक नायब तहसीलदार का पेपर था उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, पहले पहले क्या है आपके सामने ऑप्शन दिया गया, एक विंटर ओलंपिक गेम हुए थे जो आपको पता है 2022 में हुए थे ओलंपिक, है ना, ओलंपिक 2022 में होती, विंटर होती, दोनों विंटर ओलंपिक गेम 2022 में हुए थे। एक साइड में आपको कंट्री दिया और एक साइड में आपको दिया मेडल्स किसने कितने जीते हैं। तो कंट्री में आपको दिया चाइना, जर्मनी, नॉर्वे, यूएसए, और आपको मेडल दिया 37, 25, 27 और 50। आपको इनको क्या करना है, मेल करवाना है कि किसमें कौन से मंथ के हैं, मतलब इसमें किसमें कितने कितने मेडल किस किसने जीते हैं, तो आपने इसको मेल करना है। और एक साइड में आपको दिया विंटर ओलंपिक गेम बीजिंग में हुआ 2022 में जो, और एक साइड में किस टीम ने कितने कितने मेडल है जीते हैं। सोच के आंसर देना, थोड़े टफ क्वेश्चन है, थोड़े लेके आया हूं क्वेश्चन में इसीलिए आज है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त वाले। सारे क्लास को शेयर करो, आंसर बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कितने मेडल जीते थे। तो मैं आपको एक कंट्री देखो, नॉर्वे थे, क्योंकि नॉर्वे ने इसमें सबसे ज्यादा टॉप किया था, तो नॉर्वे ने 37 मेडल जीते थे। तो सी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, सी के सामने ए आएगा, तो इसके सामने सी के सामने ए नहीं है, इसमें भी सी के सामने ए नहीं है, और इधर भी सी के सामने ए नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिस जिस बच्चे का आंसर बी आए अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। हाँ तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी नंबर। मेरे को पता था कि बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखते ही भाग जाते हैं, उनके बस का सौदा है नहीं। हाँ गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक मंदिर है जिसका नाम है एरात्वेश्वर टेम्पल है, और ये दारासुरम में है, और इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया, क्योंकि इसको किस में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है किया गया है। तो इस मंदिर के जो फाउंडर थे वो कौन थे, इनके मंदिर का इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था राजा राम किंग टू। आंसर क्या आएगा, ए नंबर ऑप्शन है, क्या आएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा, चोला किंग राजा राजा टू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने चार आपको दिए गए, क्या दिए गए हैं, चार आपको अलग अलग टाइप के लाइक मैच लिस्ट, एक मिनरल दिए गए और चार आपको अलग अलग पैलेस दिए गए हैं कि सबसे ज्यादा कहां पर कौन सा उत्पादित होता है। तो जल्दी से बता दो कि आंसर क्या आना है इसका।
ये पेपर नायब तहसीलदार का पेपर है तो आपको पता ही है, ओके तो होंगे क्वेश्चन। गुड इवनिंग सभी को। हाँ राम राम कर्मवीर, राम राम। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं सेम टू सेम हो सकता है डिटो क्वेश्चन ही अपने को मिल जाए डायरेक्ट। कोपर क्या होता है, कोपर सबसे ज्यादा कहां पे होता है, कोपर होता है राजस्थान के अंदर खेतड़ी के अंदर। सबसे ज्यादा तांबा कहां होता है, राजस्थान खेतड़ी में। अगर यहां पे भी चार के साथ एक के साथ जाते तो भी आपका सही हो जाता, कुछ आपको पता हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं थी, इसी से काम चल जाता। गुरु जी क्वेश्चन ओके लगते हैं, क्या करें बताओ। हर्ष जी क्या करें बताओ। ओके ही होंगे तभी तो काम बनेगा। अगला क्वेश्चन है, आपको चार डैम दिए गए और चार आपको रिवर दी गई है, मैच करो। ये तो कर दोगे मैच, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी। कई बच्चे कहते हैं गुरु जी बहुत सौखे क्वेश्चन लेके आते हो, तो देखो फिर आज। गगनदीप सिंह जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। इसमें भी कईयों का डी आ रहा है और कईयों का सी आंसर आ रहा है तो देख लेते हैं। देखो हीराकुंड, आपको पता है हीराकुंड डैम है महानदी पर बना उड़ीसा में, तो आंसर चौथे के सामने क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। चौथे सामने क्या आएगा, ए नंबर आएगा। ठीक है, अब बात उसके बाद करते हैं नागार्जुन सागर डैम की। बात करें कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में, तो ए के सामने तीन आएगा, ए के सामने तीन आएगा। तो क्या एक ही तो बचता है, बाकी वैसे भी तो सारा पता ही है इसमें कौन सा है। माता टीला डैम बहुत फेमस डैम है, कहां पे है, बेतवा रिवर पे है। तो क्या आएगा, सी आएगा। सही हुआ है नहीं हुआ बताओ, किस किस का सही हुआ, जल्दी से जल्दी बताओ। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो। सर सिर्फ हीराकुंड ही पता है, हीराकुंड क्यों, सारा पता है, बताओ कौन सा नहीं। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है। ठीक है, अगला कहता है वो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। कहता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। सारे सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करते रहो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले आगे। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नॉर्मन मायर्स। ऑप्शन नंबर है बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, नॉर्मन मायर्स। बी ऑप्शन आएगा, लाइक कर दो सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज नॉट नोन फॉर टाइगर। इनमें से कौन सी है जो सेंचुरी और टाइगर के लिए नहीं जानी जाती, इसका मतलब किसी और के लिए, किसी के लिए जानी जाए लेकिन टाइगर के लिए नहीं जानी जाती। कवाल सेंचुरी, कवाल की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पे है, ये तेलंगाना में आती है।
दूधवा की मैं बात करूं यूपी में आती है, हजारीबाग की मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में आती है, बाकी कुछ पता हो नहीं पता सर मार्ग। इतना पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे आता है, असम में आता है, और ये किसके लिए फेमस है, वन होर राइनो के लिए फेमस है। किसके लिए, वन होर राइनो के लिए। क्वेश्चन कैसे, एक बार थम्स अप करके बताओ लेवल कैसा है, अभी तो और बढ़ाना है इसका लेवल थोड़ा है। किसके लिए फेमस है, वन होर राइनो का, अभी लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा और इसका, है ना। लाइक करते रहो। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, कहता है वेन वाज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द की बायोडायवर्सिटी एरिया स्टार्टेड इन इंडिया। कहता है भारत में बायोडायवर्सिटी एरिया का स्टार्ट कब हुआ, 1972 में, 2003 में, 1998 में, या 2007 में। नाइनटीन सेवेंटी टू आंसर है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा हमारा 2003 में। कब किया गया, 2003 में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, बी जो ऑप्शन है वो 2003 हमारा, बिल्कुल सही। पूजा, रुपिंदर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सोनिया, सभी का वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सरोज चौधरी साहब, 2003, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2003 क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेच करवाना है आपको, मेल करवाना है। देखो आपको चार प्लेनेट के नेम दिए गए लोकल में, और एक साइड में आपको कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा प्लेनेट चलता है ना, स्टेट के हिसाब से बताना है। तो आपके सामने दिया टुन्ना, टुन्ना के सामने तेलंगाना दिया, खेजड़ली के सामने मणिपुर दिया, अल्टर के सामने राजस्थान दिया, और जामिनी के सामने नागालैंड दिया है। तो मुझे याद आ रहा है खेजड़ली राजस्थान में होती है, तो सी के सामने सी आएगा, सॉरी दो के सामने तीन आएगा, दो के सामने तीन, दो के सामने तीन। ला जी ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। यहां तो पहला आएगा या सेकंड आएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, पहला नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी। कईयों को लगता है सर क्वेश्चन तो एक एक ही हो रहा है, एक नहीं हो रहे दोस्तों, एक में कितने हो रहे हैं, चार हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, एक में चार चार हो रहे हैं। अगला लो जी, ये एक साइड में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है और एक साइड में आपको स्टेट दी है, देखते हैं कौन सही बताता है इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन का आनंद आता है पेपर में करने का। किस किस को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं थम्स अप कर दो, जिसको अच्छे लग रहे हैं, जिसको नहीं लग रहे हैं वो ऐसे कर दो। गुरु जी मारे को जिसको लग रहा है सर अच्छे क्वेश्चन है यस लिखो, जिसको नहीं लग रहा है गुरु जी टफ है बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो वो नो लिख दो, कोई बात नहीं, पता तो लगे ना किसको आनंद आ रहा है इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को करने में। पोल चलाए आपके सामने, पोल में कर दो जल्दी जल्दी। पोल चला है, पोल में करो फटाफट से। हाँ तो देख लेते हैं, देखो
डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, तो पहले तो डलमा को झारखंड भेज देते हैं। जलता पारा अपने पढ़ा है, नेशनल पार्क में भी है, जलता पारा वेस्ट बंगाल में, देखते हैं यहाँ से दोनों से काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और कहीं चेक कर लेंगे। वैसे तो सारे पता ही है गुमती कहाँ पे, त्रिपुरा में है, और भद्रा कहाँ पे, कर्नाटक में है। वैसे तो सब वही का, चलो देखते हैं जलता पारा से काम बन जाता क्या। जलता पारा के सामने चार के सामने तीन आता, तो चार के सामने तीन, लो जी एक से ही काम बने, कुछ करने जरूरत ही नहीं थी। फिर चेक कर लेते हैं, चलो तीसरे के सामने दो है क्या, गुमती के सामने त्रिपुरा ठीक है, और दूसरे के सामने भी दो, दूसरे के सामने दो नहीं आएगा यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे ये मिस्टेक थी वैसे ही, दूसरे सामने यहाँ पे ए आएगा ठीक है, इसीलिए क्रॉस चेक करना भी बहुत जरूरी है ना, क्रॉस चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 88% कह रहे हैं सर बहुत अच्छा आनंद आ रहा है क्लास में, और 12% कह रहे हैं सर नहीं आ रहा आनंद, कोई बात नहीं उनको भी आने लग जाएगा। ठीक है हाँ, बद्रा से काम मैच होगा, बद्रा के सामने यहाँ पे एक के सामने तीन वेस्ट बंगाल, कहाँ है बद्रा बताओ, एक के सामने चार, बद्रा के सामने कर्नाटक ठीक है, डलमा के सामने एक थोड़ी है, ये भी गलत ही था, और ये और चेक कर लेते हैं, एक के सामने एक गलत है पहले से ही, ये तो ठीक है। हाँ जी हाँ जी, सायर सिंह सत श्रीकाल, क्लास को लाइक करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, चार आपको वेटलैंड दी हुई है और साथ में आपको स्टेट दिया, और इसको कई को तो मेरे को ये टेंशन है कई इस क्वेश्चन को खा जाएंगे, क्योंकि वेटलैंड का नाम लेते ही बहुत बुरा हाल है उनका है? अब मैं देखना चाहता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है और सबसे राइट आता है। हाँ जी हाँ, जिनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वो पूजा कह रजाई लेके सो जाओ, सो क्यों जाओ, जागते रहो, उसको भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा, सोने से थोड़ी इंटरेस्ट जागृत होगा। इस क्वेश्चन का देखना कितनी खतरनाक तरीके से आंसर आएगा। लोकटक मणिपुर बात खत्म, देखो है, तो चलो चेक करते हैं, लोकटक के सामने मणिपुर आएगा, तो मणिपुर तीन के सामने चार आएगा, तो तीन के सामने एक है, तीन के सामने तीन है, तीन के सामने एक है, एक ही आंसर बचता है चार ना। वैसे भी पता है दीपोर बिल असम में है ठीक है, अष्टमुद्दी और वेबनाड और सस्तम कोटा केरला में है, पंजाब में छह है, कंजली पंजाब में ही होगी ठीक है, बस हो ही गया सारा है। हाँ तो अरोड़ा क्लास से दीवारा नहीं याद है सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो याद होनी है, अभी अब नहीं याद होगी तो कब याद होगी मेरे को बताओ आप हैं यार, कई है ना, मैं आपको सही बताऊं, मैं वैसे YouTube पे बोल भी देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होती बोलने में, मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूँ, आपको पता ही होगा अपने तुरंत प्रभाव से जवाब देने वाले इंसान है ना। कई मैं टेलीग्राम चैनल पे भी देख रहा हूँ, कई है ना बड़े मतलब अजीब अजीब बोलते रहते हैं, मतलब यार क्या क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है किसी को है, किसी को प्रोग्रेस करते हुए देखता अच्छा नहीं लगता है। जब मैं कमेंट करता हूं कि मैं आप डायरेक्ट सुधीर से बात करूं, फिर तो उनकी सीटी बीटी हुल हो जाती है। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यार डायरेक्ट फेस टू फेस फेस आके बात करो ना, कहां दिक्कत आ रही है, क्या ऐसे बुजदिल कायरों की तरह कमेंट करते हो वहां पे, इतना जी अगर मतलब इतना रखते हो मत तो यार एकदम सामने आके बोल दो ना फिर। आगे देखो, जो बोलते हैं उनको बोलना चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चन कभी सपने में ही देखे थे क्या भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं है? वाइल्ड लाइफ एक्ट कब बना, फॉरेस्ट एक्ट कब बना, एनवायरमेंट एक्ट कब बना, पोल्यूशन एक्ट कब बना, जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट से।
सर जी बेसिक टेस्ट बेचते करंट दर टेस्ट बंद ना करो, साढ़े कराए आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, बंद करना, बताओ आंसर क्या आएगा। क्या आएगा जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बी आ रहा है, बी। चलो अपने चेक करते हैं, देखो क्या हो सकता है। आपको पता है वाइल्ड लाइफ एक्ट कब बना था? 1972 में बना, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट कब बना था? 1988 में बना, ये भी ठीक है। इन्वायरमेंट एक्ट कब बना? 1992 में या 2006 में? इन्वायरमेंट एक्ट कब बना? वैसे है ना, इस क्वेश्चन को अपने, मैं आपको बताऊं जहां से भी है ना, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे ना एनवायरनमेंट एक्ट जो है ना, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1992 मानेंगे, ठीक है। तो अपने पास सी के सामने क्या आएगा? ए आएगा, तो ये अपना चल जाएगा बिल्कुल। क्या बिल्कुल अपना दौड़ेगा, चलेगा क्या? दौड़ेगा ये तो। नेक्स्ट देखो, कहता है एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है विराचे नेशनल पार्क, किस आसियान राज्य में स्थित है विराचे नेशनल पार्क? वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर या फिर मलेशिया? वेरी गुड, बहुत बड़े, कंबोडिया आंसर सही है, बिल्कुल। कंबोडिया के अंदर अभी हाल ही में आप अपना आठवां अजूबा भी बना, जिसका नाम है अंगकोर वाट टेम्पल है। अंगकोर वाट है टेम्पल है। आगे, नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट इज ए गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट साइन बिटवीन विच टू कंट्री? ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट का, ये कौन से दो देशों के बीच में साइन हुआ था? अभी भी बहुत सारे बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो। राइट आंसर क्या आएगा? रशिया और पाकिस्तान के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ बिमस्टेक? इनमें से कौन सा देश है वो बिमस्टेक का मेंबर नहीं है? आपको लिखवाया है ना बिमस्टेक का सारा टोटल का टोटल है, इनमें से एक कंट्री आपको बताना है जो बिमस्टेक का मेंबर नहीं है। मालदीप, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। कौन सा देश नहीं? देखो बिमस्टेक की अगर मैं बात करूं तो बिमस्टेक होता है द बे ऑफ बंगाल, है ना, इसकी फुल फॉर्म देखो क्या होती है, द बे ऑफ बंगाल। आप भी सारे कमेंट करो। द बे ऑफ बंगाल,
मल्टीलेटरल द बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फाउंडेड हुई थी 6 जून 1997 को। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। इसके हेड है इंद्रमणि पांडे। इसके हेड कौन है? इंद्रमणि पांडे। तो आंसर क्या आ जाएगा? मालदीप नहीं, क्योंकि मालदीप तो किसका मेंबर है? आसियान का मेंबर होगा। ठीक है, अगला है यूएन सेक्रेटरी बिलोंग टू विच कंट्री। जो वर्तमान में यूएन सेक्रेटरी है वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से, पुर्तगाल से, बेलारूस से, कजाकिस्तान से। उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या आएगा? कौन से देश से हैं? वो पुर्तगाल से हैं। कौन से देश से हैं? पुर्तगाल से हैं। अगला कहते हैं अमंग द फॉलोइंग विच सिटी आर कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। इनमें से कौन से जो है, कौन सी देश, जो कौन सी सिटी है वो साउथ अफ्रीका की कैपिटल भी है? ब्लूमफोंटेन, डरबन, जोहानसबर्ग, केपटाउन। इनमें से कौन कौन से जो है वो सिटी है, वो कैपिटल है किसकी? साउथ अफ्रीका की। तो देखो केपटाउन भी है, जोहानसबर्ग है, और ब्लू फाउंटेन भी है। ठीक है, तो बताओ क्या क्या आंसर लगाओगे? हाँ, तो एक नंबर तो सही है अपना, जोहानसबर्ग भी नहीं है, है ना? नहीं है ना जोहानसबर्ग? तो जोहानसबर्ग नहीं है, तो जोहानसबर्ग को काट देते हैं। और डरबन, डरबन तो है ही नहीं। तो ये जहां पे दो और तीन है वो कहीं नहीं होगी। तो दो तीन कहां पे है? यहां भी दो नंबर है, यहां भी दो है, यहां तीन है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? एक ऑप्शन नंबर अकेला चार आएगा। तीन कैपिटल है, कौन कौन सी है? एक अपने पास है ब्लूम फाउंटेन, एक कैपटाउन है, और तीसरी कौन सी है? एक आपने नाम सुना होगा प्रीटोरिया। दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी तीन राजधानी है, और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है, वो देश है नारू। नारू एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं मानी गई है, एक भी राजधानी नारू की नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, टोक्यो 2020 ओलंपिक में चार खिलाड़ी हैं और उनके चार गेम है, आपको मैच करवाना है, तसल्ली के साथ करवा दो मैच इनको। ठीक है,
ये क्या है अपने पास, ये ऑप्शन नंबर तीन है पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी आपको बताइए पीवी सिंधु किस खेल से हैं, तो पीवी सिंधु अपने पास बैडमिंटन खेलती है। चलो इसको उठाते हैं सबसे पहले, यहीं से उठाते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, यानी तीसरे के सामने दूसरा आएगा, तीसरे के सामने दूसरा, तो ये दोनों तो कट गए, ये कट गए। रवि कुमार दहिया 57 kg में था रेसलिंग में, तो डी के सामने एक आएगा, तो बस ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, दो बचेगा। बाकी सारे पता ही आपको, लवलीना बोरगोहेन 69 kg के अंदर असम की रहने वाली, ये क्या थी वेट, ये अपने पास क्या थी बॉक्सिंग से थी। और मीराबाई चानू जो कि मणिपुर के रहने वाली, वो किससे संबंधित थी, वो अपने पास वेट लिफ्टिंग से, किससे लेटर थी, वेट लिफ्टिंग। सर रेलवे पुलिस का सिलेबस सेम होता, बिल्कुल सेम रहेगा जी, ओके। चलो लो जी अगला है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं चार आपको, कंट्री टोक्यो ओलंपिक 2020 है, इसमें मेडल जीते हैं उनके मेडल सामने, मेडल लिखे हैं और सामने ओलंपिक 2020 में कौन सी कंट्री है, मेडल आएगा यहां पे। ठीक है, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, एक साइड में आपको दिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया चाइना जापान, एक साइड में आपको मेडल दिए 46, 88, 58 और 33। जल्दी जल्दी करो आंसर क्या आना है। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे, तो चाइना ने 38 जीते थे है? या 89, 88 चाइना ने जीते थे। जल्दी जल्दी कर दो लोग इसको, इसका आएगा चाइना जापान, तो सी के सामने आएगा सेकंड नंबर, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सभी का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। हालांकि ये मेडल इन्होंने कम लिखे हैं, ये मेडल अलग थे, लेकिन इन्होंने चलो अपनी हिसाब से सेट कर दिया। सबसे ज्यादा यूएसए ने मेडल जीते थे। ये बता दो, ये चार आपको दिए हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी है ना, यहाँ पे आपको सामने कुछ हेडक्वार्टर दिए गए, कुछ रोहिंग्या मुसलमानों से रिलेटेड है, कुछ 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 ही है, ये सारे मिस आपको करने हैं, मैच करने हैं। हाँ यूएसए के सबसे ज्यादा थे, इसमें आपको ज्यादा कुछ कर आता है, नहीं आता, लेकिन इसमें आपको एक दो चीजें आती है ना तो भी काम चल जाएगा आपका ना। देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है क्वाड, क्वाड में कितनी कंट्री है, क्वाड में चार देश है, भारत जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया, तो डी के सामने क्या आएगा, डी के सामने बी ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं और यहाँ भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर है फोर आएगा, क्या आएगा फोर। बाकी चलो पता हो नहीं हो
ठीक है, लेकिन इतना अपने को पता ही है। ठीक है, रेल लिंक वाला भी आई थिंक नेपाल वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये पता ही, इंटरनेट सोलर लाइंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव में, तो सी के सामने तीन करते तो कंफ्यूज हो जाते, एक और चार में, लेकिन उससे काम चल गया। उस टाइम एक्चुअल में बना था ना क्वाड, ठीक है। आगे देखो, चार फेस्टिवल है, चार स्टेट दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से क्या आंसर आएगा, जितना उसके फास्ट आंसर दिया करो। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया फटाफट कर दो लाइक और शेयर। लगभग अपने ये मान लो 80 से 90 क्वेश्चन करवा दिए मैंने 20 क्वेश्चनों में आपको। तो वो पहले क्वाड और न्यू क्वाड में देखो डिफरेंट क्या था, क्वाड में पहले तीन ही देश थे, लेकिन न्यू क्वाड में फिर एक चार देश शामिल हो गए, तो उससे अपने अपने को आंसर आ गया सुनील। ठीक है, मेन अपना टारगेट क्या होता है, मेन टारगेट होता है कि अपने का आंसर सही हो जाना चाहिए। इसमें देख लेते हैं, तो इसमें अपने पास कौन सा जानकार है, बिहू जानकार है अपना, बिहू, बिहू कहाँ पे है, बिहू असम में है, तो बी के सी के सामने दो आएगा, तो यहाँ तो ये भी गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है। उगाडी, उगाडी बस्तर दशे दुसेरा और गोची, क्या लगा रहे हो, ए लगा रहे हो, ए यानी उगाडी आंध्र प्रदेश का है, और बस्तर तो एक जगह है कहां पे, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़। बी के सामने चार आएगा, तो बी के सामने चार, बी के सामने चार, ए नंबर आएगा, क्या आएगा, ए नंबर ऑप्शन में वो कंट्री नहीं थी। ओके ओके, ये फिर वो था अपने पास, क्या था इन जो वो था II वाला था, IU, I2U2 था। ठीक है, I2U2, ठीक है, आप समझ में आ गया। हाँ, पहले मैंने इसको देखा नहीं था, ठीक है, I2U2 हो जाएगा, मैंने सोचा कि वो सीधा डायरेक्ट क्वाड ही था, तो इस न्यू क्वाड का मतलब क्या था, इसका नाम बाद में I2U2 हो गया था, पता ही, इंडिया, इजराइल और यूएसए, यूए। ठीक है, अब समझ में आ गया सुनील, देखो है। हाँ, मैं पहले इसके मैंने इधर देखे नहीं ऑप्शन, तो इंडिया, यूएसए, यूए, इजराइल, इसको बाद में क्या नाम दिया गया, क्वाड को I2U2 दे दिया। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है, चलो फिर ये अपने पास क्या आएगा, ए नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको चार ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, इसके साथ आपको स्टेट दिए हैं। अगर आज भी आपने कमेंट नहीं किया गुरुजी क्लास में क्वेश्चन अच्छे थे, तो फिर आप बस वही चाहते हैं ऑनलाइनर है। तो यहाँ पे देखो अपने पास कुछ अपने को दिए हैं, जैसे कंबाड़ा मुझे आइडिया लग रहा है, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, तो चलो तमिलनाडु का हो जाएगा, सी के सामने दो आ जाएगा, सी के सामने दो, तो यहां तो अपने पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर एक आएगा, या फिर अपने पास ऑप्शन नंबर है कौन सा आएगा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है ना, तो सी के सामने दो आएगा, तो इधर भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन ये रहेगा या ऑप्शन ये रहेगा। इसके बाद अपने पास कहता है A3 और इधर B1, यानी कंबाड़ा कहां का, कंबाड़ा तो कर्नाटक का, अभी हाल ही में तो हुआ ये, तो दो के सामने क्या आएगा, चार आएगा, तो यहाँ सी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि कंबाला तो अभी रिसेंटली तो हुआ है ना। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी। ऐसे आते हैं पेपर, ऐसे मजा आता है क्वेश्चनों को करने में, आंसर क्या आएगा, सी आएगा, सी फॉर क्यूट लाडली। सर जी डेली ऐसे क्वेश्चन लेके आया करो, अपने तो रोज ही लेके आते हैं, हैं? आगे देखो, आगे आपको चार पीक दी है और इस इधर उसकी रेंज दी है, कहां से कौन सी निकलती है, चलो ये बता ही दोगे यार, ये तो क्या है, करो जल्दी जल्दी।
क्या आएगा? डी लगा रहे हो यार, डी देख लेते हैं, कोई एक आधी कोई जानकार मिल जाएगी। तो गुरु सीकर तो राजस्थान में है, तो ये अरावली से होगा, तो ए के सामने चार आएगा। ये भी गया, ये भी गया। अब क्या कह रहा है? दो के सामने क्या है? गोट बेटा, धूपगढ़, अरमा कोंडा। ये कोंडा कांडा इधर ही होगा, ईस्टर्न घाट में, यानी आंध्र प्रदेश शायद होगा, क्योंकि पापी कोंडा ही तो वहीं पे है ना? पापी कोंडा भी तो वहीं पे ही है। गुरुजी गुरुकुल से टेस्ट कदों लेना, बहुत टाइम हो गया टेस्ट ही नहीं लिया कोई। तुसी करते हैं कुछ जुगाड़ को, तो सी के सामने दो आएगा तो यही सेट होगा। क्या होगा? यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल है, सही जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके लिए ऑफिशियल लेवल का बैच स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। इसकी वैलिडिटी आपके लिए 1 साल की रहने वाली है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नहीं तो फिर क्या करो, आप जब तैयारी करोगे तो आधे से ज्यादा आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे आके तैयारी करो, नहीं आ सकते तो घर पे बैठे कोर्स खरीद सकते हो। आपको लगता है कुछ इतनी मेहनत करते हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि आपका कूपन कोड यूज कर लें, तो आप इस कूपन कोड का यूज कर लेना, AC397। ठीक है, न्यू फाउंडेशन बैच ये भी अपना 4 मार्च से स्टार्ट, और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी। ये दोनों मोड में ऑफलाइन भी और है ऑनलाइन। ऑफलाइन ये 16,000 का है और ऑनलाइन ये 45 होगा। इसमें क्या कर सकते हो, आप पहले सीट बुक कराओगे तो ये 16,000 आपके नहीं लगे, इसमें आपको 2 से 2,500 रुपये की छूट मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसमें कूपन कोड यूज कर लेना AC397। इसमें आपको क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर से बताना लास्ट में क्लास में कि क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, करना क्या, सबसे पहले ओडा क्लास की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, सर्च योर फेवरेट कोर्स में जाना है, आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, आपने यहाँ पे कूपन कोड यूज कर लेना AC397। ठीक है, आईफोन यूजर डाउनलोड करें माई इंस्टीट्यूट ए फिल ORG कोड ARC, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन दिए गए 2 नंबरों पर कॉल है कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फटाफट से ऐप में जाओ सारे और अपनी अटेंडेंस लगा लो जल्दी जल्दी, सारे बच्चों ने अपनी अटेंडेंस लगानी है ऐप में जाके।